महंगाई दीमक की तरह खा रही है। कभी सोचा है आपने, एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों? कभी सोचा है आपने, दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार, जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे। आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस पर नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती है बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए और वह सत्ता का दही चाट ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मुंगावली के मल्हारगढ़ गांव में भाजपा प्रत्याशी KP यादव के पक्ष में सभा को संबोधित करने पहुंचे बीजेपी चुनाव अभियान समिति के संयोजक व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया बिजली मंत्री थे, क्या इनके द्वारा यहां बिजली पहुंचाई गई? इनका तो एक ही स्वप्न है कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाए और यह सत्ता का दही चाटने लगे। इसी के लिए सिंधिया व कमलनाथ लगे हैं। पर यह कहना चाहता हूं कि यह दही सोनिया गांधी की मटकी का दही नहीं है, यह लोकतंत्र का दही है जो जनता के आशीर्वाद से मिलता है, जो आने वाले समय में शिवराज सिंह को मिलेगा। आपके क्षेत्र के सांसद उन्होंने क्या किया यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर प्रधानमंत्री सड़क बनी तो वो हमने बनवाई, अगर सामुदायिक भवन बना तो हमने बनवाया, अगर विद्यालय भवन बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। ये बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, ये कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया की देन नहीं है, यह सिर्फ शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार द्वारा कराए गए कार्यों के बारे में जनता को बताया। इस सभा में नगर के लगभग 2 दर्जन युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। महंगाई दीमक की तरह खा रही है। कभी सोचा है आपने,
एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी, कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है। क्यों, कभी सोचा है आपने? दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे। आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।